इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से पार्ट डिफरेंसेस कौन से हैं। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये, तीसरा डिफरेंस है ये, चौथा डिफरेंस है ये और पांचवा डिफरेंस है ये। दोस्तों आपने इनमें से कितने डिफरेंसेस ढूंढे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब इस इमेज को ध्यान से देखिए और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था और अब ये बताइए आपने इनमें से कौन सा इमेज देखा था। आपने इनमें से ये वाला इमेज देखा था। दोस्तों क्या आप इस मेमोरी टेस्ट में पास हो पाए? आप अपना जवाब कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक दिन रवि ने नया फोन खरीदा था और उसे सोफे पर रखकर नहाने चला गया था। रवि जब वापस आया तब उसका फोन वहां पर नहीं था। रवि फोन बहुत ढूंढता है लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिलता है, तो वो सबको बुला लेता है जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे। सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। रवि की बड़ी बहन रीमा कहती है, आपके फोन को चार्जिंग नहीं था इसलिए मैंने उसे चार्ज पे लगाया था। रवि का भाई राम कहता है, मुझे मेरा फोन चार्ज पर लगाना था इसलिए मैंने आपका फोन निकाल कर मेरा फोन चार्ज पर लगाया और आपका फोन टेलीविजन के पास रख दिया था। रवि की छोटी बहन मीना कहती है, मुझे आपका फोन तहखाने में मिला, मैंने आपका फोन वहां से उठाया और टेलीविजन के पास रख दिया। रवि का दोस्त श्याम कहता है, आपका फोन टेलीविजन के पास था और मुझे तहखाने में जाना था इसलिए मैं आपके फोन का टॉर्च लगाकर आपका फोन ले गया था। इन सब की बातें सुनने के बाद रवि को तुरंत पता चल जाता है कि उसका फोन किसने लिया है। तो फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं कि रवि का फोन किसने लिया है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या आपको पता चला कि रवि का फोन किसने लिया है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। रवि का फोन उसकी छोटी बहन मीना के पास है क्योंकि उसे रवि का फोन तहखाने में मिला था और सबसे आखिर में उसने ही फोन लिया था। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों क्या
आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए ये कौन सी एक्ट्रेस है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों, क्या आपने अपना जवाब कमेंट किया? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। ये एक्ट्रेस है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। क्या आप पता लगा पाए कि इनमें से कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब दिया था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, ये कौन सी फिल्म है? और इस सवाल का जवाब है, बहुत सारे लोगों ने दिया है, उन सबका धन्यवाद। लेकिन हम सभी लोगों के नाम नहीं ले सकते हैं। उनमें से पहले 6 लोगों के नाम हैं: सरस्वती दास, कंचन भार्गव, सीमा डोडवाल, गोल्डी सुमन, हरे कृष्णा और पूजन वर्मा। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल है, इस इमेज को ध्यान से देखकर बताइए ये कौन सी फिल्म है? दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, जिसमें 3 इमेजेस को मिलाकर किसी एक मशहूर गाने का नाम बनता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये गाना कौन सा है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों, क्या आपने अपना जवाब कमेंट किया? अगर नहीं किया तो आप अपना जवाब जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पहली इमेज में दिख रही है एक बूढ़ी औरत, जिसे हम दादी या नानी भी कहते हैं। दूसरी इमेज में दिख रही है एक मोरनी और तीसरी इमेज में दिख रहा है एक चोर। तो इन तीनों इमेजेस को मिलाकर, मतलब नानी, मोरनी और चोर को मिलाकर बनता है नानी, मोरनी, चोर। तो गाने का नाम बनता है नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, जो कि बच्चों का पसंदीदा गाना है। दोस्तों, क्या आपने भी यही जवाब कमेंट किया था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।